press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to the JC campus. Our today topic is clock. Clear? घड़ी तो आप सबने देखी है. क्लॉक हम यहाँ पर राउंड क्लॉक की बात करेंगे केवल, और एनालॉग क्लॉक की, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं हो रही है. जो हमारे पास क्लॉक होती है, आपने क्लॉक देखी होगी, इसमें हमारे पास तीन टाइप की सुइयाँ होती हैं. एक तो आपकी मिनट हैंड हो गई, एक आर हैंड हो गई, और एक आपकी सेकंड हैंड हो गई. ठीक है, मतलब सेकंड की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई. क्लियर. अब सेकंड की सुई इसमें सबसे बड़ी होती है, उसके बाद आपकी मिनट की सुई होती है, ठीक है, और घंटे की सुई सबसे छोटी होती है. इसमें हम इस क्वेश्चंस में, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम केवल मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात करेंगे, मिनट हैंड और आर हैंड की बात करेंगे. क्लियर. टाइम देखना तो आता ही होगा इसमें, जैसे अभी कितने बज रहे हैं हमारे पास, चार बज रहे हैं. ठीक है, जो हमारे पास इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में आपका क्या आता है, एंगल निकालने के लिए. जो हमारी ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, इसके बीच हमारे पास एंगल निकालने के लिए आता है. मतलब आपको एंगल निकालना है कि ठीक चार बजे इस घड़ी के सुइयों के बीच या मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा. क्लियर. तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. आपको पता है कि 24 आवर्स में आपका पूरा वन डे कंप्लीट हो जाता है. क्लियर. और हमारे पास वन आवर में होते हैं आपके 60 मिनट, तो बेसिक चीज़ें हैं. एंड वन सेकेंड में, और वी कैन से वन मिनट में आपके 60 सेकेंड. क्लियर. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. जो पूरा का पूरा वन डे होता है हमारा 24 आवर्स का होता है, जो वन आवर होता है वन आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, और वन मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं. ठीक, पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. जो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मिनट हैंड की. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनट हैंड की. तो जो मिनट हैंड है वो अपना पूरा का पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, पूरा का पूरा एक चक्कर. दैट मीन्स अगर अभी ये 12 पे है तो ये दोबारा 12 पे कब आएगी, जैसे अभी चार बज रहे हैं तो ये दोबारा 12 पे कब आएगी, जब पाँच बज रहे होंगे. दैट मीन्स जो मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा एक राउंड, अपना पूरा का पूरा एक राउंड कितने टाइम में लगाते हैं, एक आर में. तो वन आर में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है. 12 पे अभी दोबारा से घूम के किस पे आ जाएगी, 12 पे. ठीक, तो वन आर में कितना चलती है, 360 डिग्री. वन आर और वी कैन से 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो चलती है आपकी 360 डिग्री. सो वी कैन से वन मिनट में कितना चलेगी, दिस इज 360 अपॉन 60, दिस इज 6 डिग्री. क्लियर. दैट मीन्स मिनट हैंड की जो स्पीड है वो है आपकी 6 डिग्री पर मिनट. ये हमने मिनट हैंड की स्पीड निकाल दिया, ये मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट. क्लियर. ऐसे हम आर एंड के लिए भी देखते हैं. जो हमारे पास आर एंड है, घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई अपना एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाते हैं, जैसे अभी चार बज रहे हैं तो दोबारा फिर से चार कब बजेंगे, वो होगा आपका पूरा का पूरा 12 आवर्स के बाद. तो 12 आवर्स में वो पूरा 360 डिग्री का आपका एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है. और वी कैन से वन आवर में होगा आपका 360 अपॉन 12, दिस इज 30 डिग्री. और वन आवर मीन्स 60 मिनट, तो 60 मिनट में आपका आएगा 30 डिग्री. सो इन वन मिनट दिस इज 30 अपॉन 60, तो वी कैन से 1/2 डिग्री पर मिनट. तो मिनट हैंड की जो स्पीड आई है हमारे पास 6 डिग्री पर मिनट, एंड आर हैंड की स्पीड आई है हमारे पास 1/2 डिग्री पर मिनट. हम इन्हीं स्पीड्स को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बाकी एक चीज़ मैं आपको पूरा एक चीज़ और बता देता हूँ. पूरा का पूरा सर्किल में आपका 360 डिग्री हो रहे हैं, और हमने इस पूरे सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 360 डिग्री है अगर एक पूरे सर्किल में, और हमने इसे पूरे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो 360 अपॉन 12, दैट मीन्स 30 डिग्री. ठीक है, मतलब ठीक एक बजे की अगर मैं बात करूँ तो एक बजे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल होगा आपका 30 डिग्री का. जैसे अभी चार बजे की बात हो रही है, तो एक्यूरेट चार बजे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, दिस इज 30, 60, 90 एंड 120. तो ठीक चार बजे 120 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा. क्लियर. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मिनट हैंड की स्पीड होती है आपकी 6 डिग्री पर मिनट, एंड आर हैंड की स्पीड होती है 1/2 डिग्री पर मिनट. अब इससे ही हम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमें
एक चीज क्लियर हो गई है, मिनट हैंड की स्पीड इज 6 डिग्री पर मिनट एंड आर हैंड की स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर? अब जैसे बात करें हम कोई भी टाइम ले लेते हैं, हम 4:20 की क्वेश्चन हमारे पास है कि 4:20 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और वी कैन से 4:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 4:20 की बात करते हैं, एक्यूरेट 4 बज रहा है। ठीक है, 20 मिनट का मतलब है आपकी जो सुई है वो इधर आ जाएगी 4 पे, और जो आर हैंड की वाली जो सुई है हमारे पास घंटी की सुई है थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी क्योंकि दोनों की स्पीड हमें पता है। क्लियर? अब देखो, ठीक एक्यूरेट 4 बज रहे हैं, जो हमारा टाइम हो रहा है वो 20 मिनट बढ़ रहा है। ठीक है, तो मिनट हैंड की बात करेंगे पहले हम। मिनट हैंड एक मिनट में कितना मूव कर रही है, 6 डिग्री। क्लियर? तो 20 मिनट में कितना मूव करेगी, 20 मिनट में मूव करेगी 6 × 20, दैट मीन्स 120 डिग्री। मिनट हैंड इस 20 मिनट में 4:20 तक 20 मिनट में कितना मूव करेगी, 120 डिग्री। ठीक है, और आर एंड कितना मूव करेगी, आर एंड एक मिनट में मूव करती है 1/2 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट, तो 20 मिनट में मूव करेगी 20 × 1/2, वी कैन से 10 डिग्री। ठीक है, तो जो आर हैंड है वो 10 डिग्री नीचे खिसक चुकी होगी और जो हमारी मिनट हैंड है वो कितना आ चुकी है, 120 डिग्री। पहले एक्यूरेट 4 बजे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एंगल बता देता हूँ, एक्यूरेट 4 बजे जो एंगल था वो था 120 डिग्री। ठीक है, एक्यूरेट 4 बज रहे हैं, 4:20 पे जो आपकी ये वाली सुई थी वो तो जस्ट यहाँ पे आ चुकी है और जो आपकी आर्स एंड थी वो थोड़ा सा नीचे खिसक चुकी है, कितना, दिस इज 10 डिग्री। तो 4:20 पे एक्यूरेट कितने डिग्री का एंगल बचेगा उनके बीच में, केवल 10 डिग्री का। तो 4:20 पे 4:20 पे दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा आपका 10 डिग्री का। मतलब 4:20 में घड़ी के सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो आएगा कितना आपका, 10 डिग्री का। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने क्लॉक का एग्जांपल लिया था 4:20 का, 4:20 का एग्जांपल हम और इसमें ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 5:22 हो रहे हैं, अगर 5:22 हो रहे हैं तो आपने इसका एग्जांपल लेना कि कैसे कितना डिग्री का एंगल बनता है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 5:22 पर। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं, 5:22 पर मिनट हैंड की बात करें अगर, तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल चल रही है, तो 21 मिनट में मिनट हैंड आपका कंप्लीट कर रहा है 6 डिग्री का एंगल, तो 22 मिनट में आपका हो जाएगा 6 × 22, दैट मींस 132 डिग्री। क्लियर? आर एंड की बात करें अगर हम इसमें, तो आर एंड आपका 1 मिनट में कितना एंगल चल रहा है, 1/2 डिग्री का। क्लियर? तो 22 मिनट में 22 मिनट में कितना कवर होगा, दिस इज 22 × 1/2 और वी कैन से 11 डिग्री। ठीक है, फिर से हम एक बार मैं आपको डायग्राम से इसे समझाता हूँ कि कैसे हम एंगल इसमें फाइंड करेंगे। ठीक, 5 बज रहे हैं आपके पास अभी, दिस इज 12 एंड ये 5। ठीक है, जो हमारे पास मिनट हैंड है वो 132 डिग्री चल चुके हैं। 132 का मतलब है, देखिए मैंने आपको कहा था कि जो पूरा का पूरा एक पार्ट है वो कितने कितने डिग्री का आ रहा है आपका, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 150। तो वो ये मतलब जो हमारे पास मिनट हैंड है वो 4 से थोड़ा सा नीचे है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से थोड़ा सा नीचे है। तो अभी इनके बीच में अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा आपका आएगा 150 डिग्री। क्लियर? क्योंकि 30-30 का गैप है एक पार्ट में, तो 150 डिग्री हो जाएगा पूरा एंगल। और यहां से लेके यहां तक का आपके पास एंगल है कितना चला है, 132 डिग्री, 132 डिग्री। इस टाइम पे कितनी चली अभी केवल मिनट हैंड, 132 डिग्री। ठीक है, तो आपने एंगल माइनस करके निकाला कि अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, वो कैसा निकलेगा, दिस इज 150 − 132, दिस इज 18 डिग्री। क्लियर? 18 डिग्री तो अभी है, लेकिन आपने देखा होगा कि आर एंड कितना मूव कर चुकी है, 11 डिग्री और मूव कर चुकी है इधर के लिए। मतलब आर एंड आपका
थोड़ा सा और नीचे खिसक चुकी है। तो 18 डिग्री तो पहले था ही, आर एंड 11 डिग्री आगे मूव कर चुकी है, तो टोटल एंगल जो 5:22 पे बनेगा आपका, दिस इज 18+11, दैट मीन्स 29 डिग्री। तो 5:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 29 डिग्री का। क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है या इस टाइप से सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसके लिए एक और मेथड, बहुत इजी मेथड है, इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसमें फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि एक फॉर्मूला, हाँ इसमें जो फॉर्मूला है वो है 30h-11/2m। अगर आपको एंगल निकालना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, तो ये है आपके पास 30h-11/2m। जैसे कि मैं आपको कह रहा था 4:20 की पहले बात होती थी, 4:20 की, तो ये होगा आपका 30 × h की जगह पे आप रखेंगे आर्स और m की जगह पे आप रखेंगे मिनट। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 120-110, दिस इज 10 डिग्री। और हमने उससे सॉल्व किया था, उससे भी कितना डिग्री आ रहा था आपका, 10 डिग्री। सेकंड, हमने दूसरा एग्जांपल लिया था 5:22 पे, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये आएगा आपका 30 × 5-11/2 × 22। क्लियर? दिस इज 150 - 121। ठीक है, 11 × 121, इसको माइनस करेंगे अगर आप, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 9 and 29 डिग्री। और हमने लास्ट में 18+11 किया था उसमें, तो वो भी कितना हो रहा था, 29 डिग्री। तो वी कैन से कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 30h-11/2m, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज रख के कर सकते हैं, या फिर इनकी जो स्पीड मैंने आपको बताई थी 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड की, एंड आर एंड के 1/2 डिग्री पर मिनट, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, इस फॉर्मूले से आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस। स्वागत है आपका जेसी कैंपस। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे।